हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात कर रहे थे। ओके, इनफ्लोरेसेंस डन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइमोस। जो हमारा पिछले लेक्चर जो था कवर हुआ हो गया था किसमें, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस डन। इसके अंदर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस में साइमोस। ओके, ये जो इनफ्लोरेसेंस है साइमोस, इसको अपन और क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट, ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है, और डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस। ओके, यानी क्यों डिटर्मिनेट कहलाएगा, क्योंकि इसका जो फ्लोरल एक्सिस है वो डेफिनेटली ग्रो करता है, यानी उसका जो ग्रो का है जो एक्शन है वो डिफाइन है। डन, फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस क्या होगा, डेफिनेटली ग्रोथ। डन, यानी उसके अंदर कोई सीमा है ग्रोथ करने का, ग्रोइंग। ओके, सेकेंड पॉइंट, फ्लावर कैसा रहता है इसका, कॉमन जो इसका टर्म है साइमोस का, फ्लावर किस तरीके का रहेगा, फ्लावर्स बेसिपिटल अरेंजमेंट रहेगा, फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल। ओके, बेसिपिटल यानी यंगेस्ट फ्लावर जो है वो, यंगेस्ट फ्लावर एट बॉटम डन, और ये ओल्डेस्ट फ्लावर, ओल्डेस्ट फ्लावर एट टॉप, जस्ट अपोजिट होगा किसका, एक्रोपिटल का। ओके, तो ये बेसिपिटल फ्लावर का अरेंजमेंट है डन। तो ये पूरे साइमोस का जितना भी टाइप आएगा उसमें ये कॉमन रहने वाला है, यानी ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही साइमोस टर्म आपको दिखे, बेसिपिटल आप टिक आउट कर दो, यानी इसका जो फ्लावर, यंगेस्ट जो फ्लावर है, जो सबसे नया नया जो पौधा फूल आएगा वो सबसे नीचे में रहेगा, और जो पुराना फूल है फ्लावर है वो टॉप पोजीशन पे अरेंज रहेगा, बिल्कुल इस तरीके का। ये आपका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करो, ये आपका इस तरीके का, सपोज ये आपका सेंटर में एक फ्लावर रहेगा डन, और इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा फ्लावर का। ओके, धीरे धीरे फ्लावर जो है वो ये इसका कैरेक्टर है, और ये आपको कहीं भी इस टाइप का अगर डायग्राम दिख जाए तो आप उसी से पहचान लो, नहीं तो फिर नॉर्मल आपको ध्यान रखना चाहिए कि यंगेस्ट फ्लावर इसका जो, ये क्या है, यंगेस्ट फ्लावर। ओके, और ये क्या है, ओल्डेस्ट फ्लावर। डन, तो ये इसका कॉमन हो गया किसका, साइमोस का। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइमोस का टाइप, कितने टाइप का होता है साइमोस इनफ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस। डन, सबसे पहला टाइप इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यूनिपेरस, यूनिपेरस। ओके, कैसा इनफ्लोरेसेंस, यूनिपेरस इनफ्लोरेसेंस डन, और इसको क्या बोलेंगे, मोनोकेजियल, क्या कहलाएगा वो, मोनोकेजियल इनफ्लोरेसेंस। ओके,
इसके अंदर क्या होता है, वन नोड वन फ्लावर। यूनिपेरेस का मीनिंग क्या होता है, वन नोड, ओके, वन फ्लावर। ये इसका थोड़ा सा कैरेक्टर हो जाता है यूनिपेरेस का, एक नोड रहेगा, एक नोड पे एक फ्लावर होगा, किसका, मोनोकैजियल या यूनिपेरेस फ्लावर, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका। अब इसका जो टाइप है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। टाइप्स कितना होता है यूनिपेरेस का, टू टाइप्स का होगा, डन। यहाँ पे इसका दो टाइप होगा, अपन वहां डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे, डन। यूनिपेरेस का दो टाइप होगा, फर्स्ट जो है वो अस्कॉर्पोइड, ओके, अस्कॉर्पोइड, और इसको क्या बोलेंगे, जिग जैग, जिग जैग, डन। सेकेंड क्या होगा, हेलिकॉइड, यानी हेलिकल के टाइप का होगा, हेलिकॉइड। यूनिपेरेस का कितना टाइप, टू टाइप्स। अपन यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं, जिगजैग और हेलिकॉइड का, ओके। तो सबसे पहले इसका इस तरीके से, ये आपका मेन स्टॉक है, डन। और इसके टॉप पे क्या रहेगा आपका, एक फ्लावर सबसे पहले अरेंज रहेगा, ओके। ये इसका मेन कैरेक्टर है, इसका जो पहला नोड है उस पर एक फ्लावर होगा, और क्या बोला गया इसमें कि इस तरीके से आपका अरेंज रहेगा फ्लावर। ये जैसे एक फर्स्ट नोड हो गया, यहाँ पे एक फ्लावर होगा, डन। अब यहाँ से ब्रांच निकला, कैसा ब्रांच निकला, इस तरीके से ब्रांच निकला, तो यहाँ पे एक फ्लावर अरेंज होगा, ओके। इसके बाद इस साइड से निकला ब्रांच, तो यहाँ पे एक और फ्लावर अरेंज रहेगा, डन। अब इसके साइड से यहाँ से ब्रांच निकल गया, तो इसके बाद ऊपर में एक फ्लावर और अरेंज रहेगा। तो ये हो गया जिगजैग, क्या बन गया आपका, जिगजैग का सिचुएशन आ गया यहाँ पे, ओके। ये जो टर्म बना ये क्या है, जिगजैग कंडीशन ऑफ फ्लावर, ओके। और ये जो आपको देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, इस तरीके का एग्जाम्पल ब्रिंजाल के अंदर, डन। बैगन का जो प्लांट है उसके अंदर आपको ये इजीली देखने को मिल जाएगा, अस्कॉर्पोइड या जिगजैग जो सिचुएशन है यूनिपेरेस का, ओके। और हेलिकॉइड, हेलिकॉइड का बस आप एग्जाम्पल देख लो, इसका डायग्राम देख लो, ओके। ये इस तरीके का हेलिकल शेप में रहेगा, एक फ्लावर इसके सेंटर नोड पे, उसके बाद ये आपका इस तरीके से रिंग के फॉर्म में चलता जाएगा, ओके। और ये आपका अगेन इस तरीके का फ्लावर का अरेंजमेंट हो जाएगा, ओके। तो ये हेलिकॉइल है, या तो ये इस साइड में जाएगा या तो फिर इस साइड में जाएगा, डन। तो ये हेलिकॉइड का मेन, आपको इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यूनिपेरेस में अस्कॉर्पोइड कहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्रिंजाल के अंदर, बैगन का जो प्लांट है उसके अंदर आपको जिगजैग वाला सिचुएशन देखने को मिलेगा, डन। सेकेंड जो आपका टर्म है, सेकेंड इसी के अंदर बाईपेरेस, साइमोस का जो टाइप्स है उसी के अंदर बाईपेरेस, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, डाइकेजियल। वो क्या था, फर्स्ट वाला मोनोकेजियल इनफ्लोरेसेंस। ये जो आपका डायग्राम है वो किस कहां पे आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपका जो मेन एक्सिस है उसमें, वहां से सेंटर से आपका इस तरीके का निकलेगा, ओके।
सपोज ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से क्या निकला, ये इस तरीके का तीन ब्रांच निकलेगा। ओके अब यहाँ पे सेंटर पे साइमोस का है तो सेंटर पे फ्लावर होगा सेंटर नोड पे। ओके नेक्स्ट इसके सेंटर पे रहेगा, कहाँ पे रहने वाला है, इसके जस्ट सेंटर पे। डन ये आपका एक नोड, और यहाँ से क्या निकलेगा, डबल ब्रांच निकलेगा, इस तरीके का ब्रांच निकलेगा स्मॉल स्मॉल, और यहाँ पे भी फ्लावर अरेंज रहेगा। ओके तो ये जो सिचुएशन है वो किसका होगा, बाइपेरस। ओके इसका सिचुएशन ये हो गया बाइपेरस का। डन इसका एग्जाम्पल ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बाइपेरस का जो कंडीशन है बोगेनवेलिया। ओके बोगेनवेलिया। डन ये प्लांट के अंदर आपको इजीली देखने को मिल जाएगा बोगेनवेलिया के अंदर। ओके तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है बोगेनवेलिया का, क्या मिलेगा, बाइपेरस या डाइकेजियल। थर्ड नंबर का साइमोस के अंदर थर्ड जो टाइप है साइमोस का वो क्या है, मल्टीपेरस। मल्टीपेरस देन या फिर इसको क्या बोलेंगे, पॉलीकेजियल। पॉलीकेजियल इनफ्लोरेसेंस। तो ये जो आपका इस तरीके के डायग्राम अपन पहले यहाँ पे समझेंगे, ये आपका सेंटर, अगेन इधर साइड वाला निकला, उसके बाद नीचे साइड में भी आ जाएगा फ्लावर, ये क्या कहलाएगा, और सब पे क्या रहेगा, फ्लावर, एक नोड पे एक फ्लावर, क्योंकि ये साइमोस है तो उसका कैरेक्टर क्या है, वन नोड वन फ्लावर। ओके ये इस तरीके का फ्लावर आपका अरेंज रहेगा। डन और ये एग्जाम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मल्टीपेरेस या पॉलीकेजियल, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कैलेट्रोपिस। कैलेट्रोपिस जो प्लांट है फ्लावर उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्या था, साइमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका टाइप्स था। ओके और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। डन और एनसीईआरटी का आप रीडिंग लगाते रहो, अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ओके डायग्राम के साथ एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। ओके तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। डन स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।